चंद्रयान 3 से दोस्तों अब एक काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ये खबर तो मानो आग की तरफ फैल चुकी है देश विदेशों तक। दुनिया भर के साइंटिस्ट और भारतीय वैज्ञानिक इसरो के ताक लगाए बैठे हैं, हर एक मूवमेंट पर पैनी नजर है हमारे वैज्ञानिकों की। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमारा मिशन 95% सक्सेसफुल अब हो चुका है, बस अब 5% बचा है और भारत इतिहास रच देगा। चंद्रमा की सतह से अब केवल 177 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी है हमारे चंद्रयान 3 मिशन को। 100% सक्सेसफुल होने के लिए यही आखिर का 5% टेरर मूवमेंट होने वाला है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का ये मिशन सक्सेसफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में जय हिंद इसरो जरूर लिखिएगा। जब से 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में हमारा चंद्रयान 3 पहुंचा, तब से लेके अब तक काफी कठिनाई सामने आई है। 3 बार तो इसकी कक्षा बदलनी पड़ गई, जिसके बारे में इसरो ट्विटर में पोस्ट कर करके लगातार अपडेट हमें देता जा रहा है। इनफैक्ट आज भी 16 अगस्त को ये कक्षा घटाई गई है और अब केवल दूरी बची है तो 100 किलोमीटर की ही। बस एक बार ये सक्सेसफुल हो जाए तो हमारा भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला 4th देश बन जाएगा अमेरिका, रूस, चाइना के बाद। लैंड होने के तुरंत बाद ही हमारा प्रज्ञान रोवर जियोलॉजी और जियोफिजिक्स की स्टडी शुरू कर देगा चंद्रयान 3 पर। इसमें काफी आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जो वहाँ की मिट्टी, मिनरल्स, प्लेन लैंड्स ये सब स्टडी करेगा। फिर उसके बाद ये पानी के अंश के लिए भी और पुख्ता सबूत ढूंढना शुरू कर देगा। इस काम के लिए भी यहाँ पर काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। ह्यूमन फैक्टर को भी यहाँ पर रखा गया है। लाइफ कैसी हो सकती है यहाँ पर, रहने के लिए, लाइफ सपोर्ट करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होगा, नीड्स, ये सब स्टडी की जाएगी। 4th इसका काम होगा कि मून के अलावा बाकी और किस प्लांट में लाइफ की पॉसिबिलिटी है, इसके सबूत को इकट्ठा करना। और 5वां सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर ये सारी जानकारी भारत को मिल जाती है तो भारत का स्पेस प्रोग्राम 10 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा, बिकॉज हमारे पास ये तकनीक आ जाएगी। लैंडर को तो भेज दिया, अब आगे चलकर हम इंसानों को भी वहां पर भेज सकते हैं और फ्यूचर के ऐसे स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स को लीड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले हमारी इसरो की ये ताकत के बारे में।